यूनिट नंबर ए कक्षा 6 का पहला पार्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक्स ये लड़के का नाम है, यानी पैट्रिक्स का गृह कार्य कौन करता था, कैसे करता था, उसके बारे में आज इस पार्ट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड Nintendo इंस्टीट्यूट, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, यानी पैट्रिक कौन कौन से खेल खेलता था, ही प्लेड हॉकी वह हॉकी खेलता था, एंड बास्केटबॉल और बास्केटबॉल एंड Nintendo, ये एक नया आपके लिए हो सकता है। Nintendo एक बहुराष्ट्रीय वीडियो गेम कंपनी है जिसका मुख्यालय जापान के क्योटो में है। Nintendo कंपनी के जापानी नाम Nintendo का लिप्यांतरण है, नो का अनुवाद है सौंपा गया, दस का अर्थ है स्वर्ग, यानी नौ दस इसका अर्थ है। टोल हिम उसके अध्यापक बताते हैं, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो, और यू विल नॉट लर्न ए थिंग्स एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड इग्नोरमस, यानी उसके अध्यापक भी उसको समझाते थे अगर तुम गृह कार्य नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ से गृह कार्य नहीं सीखोगे करना, तो तुम किसी भी प्रकार के काबिल नहीं रहोगे। एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोमस, इग्नोमस यानी वह खुद स्वयं को क्या समझता था, अज्ञानी समझता था, जब कोई उसको समझाता था समझाने का प्रयास करता था वो खुद को अज्ञानी समझता था। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, ही हेटेड होमवर्क, उसको गृह कार्य करने से बहुत घृणा थी, वह गृह कार्य करने में बहुत घृणा महसूस करता था। देन वन डे, तब एक दिन ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो लिटिल डॉल अपने घर के अंदर एक छोटी गुड़िया के साथ में खेल रही है, एंड ही ग्रैब्ड इट्स अवे, और उसको पकड़ करके दूर तक ले जाती है। टू हिज सरप्राइज इट्स वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज, उसी दौरान टीनेस्ट का मतलब होता है बट ए मैन, लेकिन एक आदमी ऑफ द टीनेस्ट साइज, टीनेस्ट साइज का मतलब होता है सबसे नन्ना छोटा जिसको बोला जाता है, छोटी साइज का आदमी। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, डब्ल्यू ओ डबल एल, वूल का मतलब होता ऊन, लिटिल का मतलब होता छोटा, लिटिल ऊन शर्ट, उसके छोटा सा एक ऊन का शर्ट विथ ओल्ड फैशन, पुरानी फैशन का एक कमीज पहना हुआ था, ब्रीचेज, ब्रीचेज का मतलब होता ऊपर उठा हुआ जिसकी बड़ी बड़ी कॉलर होती है, और जो फुल साइज में होता है पुरानी फैशन का उसके कमीज पहना हुआ था, एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, यानी एक उसके बड़ी आकार की एक टोपी पहनी हुई थी, मच ए लाइक, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई डाइन प्रतीत होती है, डाइन का मतलब जो जादू टोने का काम करती है वैसी प्रतीत हो रही थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, वाई ई डबल एल ई डी, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, ही येल्ड सेव मी, मुझे बचाओ, सेव का मतलब होता है बचाना, वह चिल्लाया मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे बिल्ली मत दो, आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारे से विश यानी इच्छा जाहिर करना, किसी भी प्रकार की विश करना, प्रोमिस करना, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे प्रोमिस करता हूं। पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज हियर द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, पैट्रिक्स को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। सो ही सैड, तब उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, पैट्रिक्स ने क्या कहा, अगर तुम मेरा संपूर्ण गृह कार्य कर सकते हो, मेरा गृह कार्य कर सकते हो, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क,
टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर जो होते हैं वो 6 महीने के होते हैं, तो उसने कहा कि अगर आप मेरा गृह कार्य 6 महीने के जो सेमेस्टर होते हैं उनसे पहले कर सकते हो, दैट 35 days यानी 35 दिनों के भीतर, इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, तब वह उसको एक अच्छा कार्य देगा। आई कुड नॉट इवन गेट एज द लिटिल मैन फैस विंग्ड, यानी जैसा ही विंग्ड का मतलब होता है झुरियां पड़ना, झुरियां चेहरे के ऊपर जो सलवटे होती है। द लिटिल मैन जो छोटा आदमी था, फेस जल उसका चेहरा था, व्रिंट लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, यदि जो छोटा आदमी था वो ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी कपड़े को पोंछ करके फेंकाया जाता है, या किसी कपड़े से गिले बर्तन को साफ करके फेंका जाता है और उसमें सलवटे पड़ जाती है, ऐसा महसूस हो रहा था। ही किक्ड हिज लेग्स, वे अपने पांवों को पटकने लगा, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को खोलने लगा और बंद करने लगा, एंड ही ग्रैंड, और अपना मुंह पिचकाने लगा, मुंह बनाने लगा, एंड स्काउड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने जो होंठ हैं उनको खोलना बंद करना, मुंह बनाना, होठों को सिकुड़ना, बार बार ऐसे करने लगा। ओह एम आई कर्ड बट आई विल डू इट, तेवर दिखाना, यानी ओह ओ एक आश्चर्यजनक शब्द है, एम आई कर्ड बट आई विल डू इट, अगर कष्ट का मतलब होता श्राप देना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको क्या दे दूंगा, श्राप।